Assalamu alaikum guys. Today I represent you about the blood disorders. अब तक के हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया कि क्या कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स उसके एंड हाउ इट इज प्रेजेंट इन आर बॉडी एंड विच अमाउंट इज प्रेजेंट इन आर बॉडी. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्लड डिसऑर्डर्स कि ब्लड अब इवन हर ईच बॉडी कंटेन ब्लड बट दे कैन बी डिजीज्ड इन सच सिचुएशंस. यू कैन से दिस इज ल्यूकीमिया इन द थैलेसीमिया केस. These two types are the diseases which is belongs to the blood disorder. So the first is the leukemia. When you talk about the leukemia, it describes the blood cancer. आप normally कह सकते हो कि blood का cancer, आपके खून का cancer हो जाना, जिसको कहते हैं leukemia. इसमें क्या होता है कि आपकी immature and abnormal white blood cells बनना शुरू हो जाते हैं. यानी कि बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इमेच्योर होते हैं एंड एबनॉर्मल होते हैं, ख़राब होते हैं और उनकी ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी में, वो अनगिनत बनते रहते हैं. ओके सो इसका रीज़न क्या है कि कैसे ये डिज़ीज़ कॉज कैसे होती है कि आपके जीन में म्यूटेशन हो जाती है और वो वाला जीन जो कि बोन मैरो या लीम्फ में प्रेजेंट होता है. यू कैन से कि म्यूटेशन इन द जीन ऑफ द बोन मैरो और द लीम्फ दैट रिजल्ट इन द ब्लड डिजीज ल्यूकीमिया. सो क्या होता है कि जीन ऐसा साइंटिफिकली आप कह सकते हो ऐसा पॉइंट है जो कि कोडिंग या डिकोडिंग करता है. क्या करता है कि आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स से उनमें आता है एंड उनसे मूव करता है आप में और आपसे आगे आपके ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाता है. ठीक है, लेकिन ये कि स्पेसिफिक होते हैं हेयर के कलर के लिए जीन चल रहे हैं तो वो थ्रू आउट द फैमिली एक ही जीन चल रहा है. ब्लड के लिए है तो वो एक है, जैसे कि बोन मैरो का जीन. ठीक है, इसमें म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजिंग्स, कोई कोडिंग डिकोडिंग या कुछ कुछ ऐसी रिप्लेसमेंट क्रोमोसोम की ऐसी पॉइंट्स की गलत हो गई है कि म्यूटेशन कॉज हो गई है बोन मैरो में या लिम्फ में. सो दिस इज़ द कॉज बिहाइंड द ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर. सो द ट्रीटमेंट की बात जब बात करते हैं हमने तो पता चलता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ट्रांसप्लांट का मतलब है कि आप चेंज कर लो किसी की बॉडी से नेक्स्ट, या आर्टिफिशियल ले लो या किसी की बॉडी से ट्रांसप्लांट करवा लो बोन मैरो की, जड़ से ही उसको ख़त्म कर दो. यानी सारी सी बात है, बोन मैरो ख़राब है ना, उसका जीन ख़राब है तो उसने तो एबनॉर्मली सेल क्रिएशन करनी है. सो आप क्या करो, चेंज कर लो, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल इनफ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. बहुत ज़्यादा रिच पर्सन्स कैन अडॉप्ट दिस ओनली. तो अगर ईच एंड एवरी पर्सन कैन नॉट बी डू सो, यू कैन से दिस इज़ नॉट अचीवेबल. सो आई थिंक यू कैन डू बट एक्सपेंसिव मच मोर. सो दिस इज़ ऑफ ऑल अबाउट द लिकीनिया. सो नाउ नेक्स्ट डिजीज यू कैन से इट इज़ बिलोंग्स टू द थैलेसीमिया. थैलेसीमिया को कहा जाता है कि इसको कोले एनीमिया ऑफ द नेम ऑफ द थॉमस कोले के नेम से रिप्रेजेंट किया जाता है. उसने ये बताया कि डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के जीन में डिजीज़ कॉज हो जाती है. यानी कि जीन ऑफ म्यूटेशन इन द जीन ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड हीमोग्लोबिन मैंने बताया कि ब्लड का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट पार्ट होता है. क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि जो कैरी ऑफ ऑक्सीजन कराती है, जाहिर सी बात है हम एनएरोबिक तो नहीं है, हम एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं तो हमारे सेल्स को भी क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन फॉर द मैनी ऑफ द प्रोसेसेस. ठीक है, हमारे इवन सेल्स को भी चाहिए तो वो कौन करा रहा होता है, हीमोग्लोबिन ट्रांसप्लांट करा चेंज करा रही होती है ना, ट्रांसपोर्ट कर रही होती है. लेकिन अगर यही ख़राब हो जाएगी तो रिजल्ट में क्या होगा कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन फॉर्म होगी जो कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं करा सकती. सो यू कैन से कि इसका अगर ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऐसा पार्ट है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कराता है. अगर वही ख़राब होगी तो रेगुलर आपका जो प्रोसेसेस बॉडी में एक्टिविटीज़ सेल की चल रही हैं वो ख़राब हो जाएंगी. तो आपको रेगुलरली ब्लड को चेंज कराना पड़ता है किसी हेल्दी पर्सन से. दिस इज़ वेरी 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 हार्म एंड पेनफुल प्रोसेस. सो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं लेकिन वो 100% नहीं होता, पहले भी मैं बता चुकी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और अचीवेबल नहीं होता, एवरी पर्सन कैन नॉट बी अचीवेबल. सो आई क्लोज विद दिस. सो जो मैं पॉइंट्स आपको रिप्रेजेंट कराती हूँ, आपने उसको इजीली लेना, उसको आपने क्या करना है, हाइडिंग्स बना लेनी है. ठीक है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर फाइनल एग्जाम. पॉइंट्स बना के जब आप डिस्कस करते हो तो इजी हो जाता है. और थैंक यू सो मच.